अब मैं क्या बोलूँ, नहीं है ये तो लड़ने वाली बात हो जाएगी। उसमें पूरी तरह से दोषी वो भी नहीं होते, हमारे अपने निर्माता निर्देशक भी होते हैं, उनकी तैयारियाँ उतनी नहीं रहती हैं। एक एक्टर जितना बेहतर होता है उससे ज़्यादा चालाक होता है। हॉट एक्ट्रेस में थी एक रिंकू घोष। भोजपुरी में सबसे बेस्ट एक्टर कौन है आपकी नज़र में? अवधेश मिश्रा। ये सोच समझ वाला जवाब है, अच्छा लगा। चूंकि मैं मेरे से बेहतर किसी को मानता ही नहीं हूँ अभिनेता में, अहंकार नहीं है, मेरा आत्मसम्मान है जी। और हम जानते हैं कि हम जो कर गुजरते हैं वहाँ तक लोग सोच भी नहीं पाते हैं, तो इसको क्षमा चाहेंगे दर्शक से। ये अवधेश मिश्रा का अहंकार नहीं था, किसी का भी नाम लो किसी को बुरा लगे, इसलिए खुद का नाम ले लो किसी को बुरा ना लगे। सबसे हैंडसम एक्टर कौन है? निश्चित तौर पर रवि किशन। ये तो मेरा भी मानना है पर्सनली, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। सबसे फिट एक्टर कौन है? सबसे फिट एक्टर मैं अगर बोलूँ आज के डेट में तो उम्र के हिसाब से भी देखूँ तो भी रवि किशन। वाह क्या बात है। ओके सेट पर आपने तो सभी के साथ काम किया है, तीनों टावर की बात कर लें या रवि जी की बात करें या पांडे परिवार की बात करें, आपने सभी के साथ काम किया है। सेट पर देरी से कौन आता है? सब जानते हैं लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। अब मैं क्या बोलूं, नहीं है ये तो लड़ने वाली बात हो जाएगी। तीन टावर में से एक टावर है जो सबसे देरी से आता है। हाँ ये तो फन क्वेश्चन है। आई थिंक मोहन सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं। हाँ वो थोड़े हैं, वो सिंह है। अच्छा। शेर है, मतलब शेर अपने मर्जी का राजा होता है, तो प्रवृत्ति होती है, इंसानों की प्रवृत्ति होती है, वो उनकी बुराई नहीं है। जब आते हैं तो अपना पूरा काम करके जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी आते थे बहुत लेट, लेकिन जब आते थे तो अपना काम करके जाते थे। सेट पे आने के बाद वो हटते नहीं हैं। देरी उनकी मतलब फितरत नहीं कह सकता हूँ, मजबूरी हो जाती है कि अब एक्सरसाइज करना हो या नींद नहीं आती हो प्रॉपर, तो उसकी वजह से देरी होती है। और उसमें पूरी तरह से दोषी वो भी नहीं होते, हमारे अपने निर्माता निर्देशक भी होते हैं, उनकी तैयारियाँ उतनी नहीं रहती हैं। हम भी लेट जाते हैं, हम भी बहुत लेट जाते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है साउथ की फिल्म करने जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल टाइम पे मैं पहुँच जाता हूँ, 6:30 बजे विद मेकअप रेडी। भोजपुरी में हम भी थोड़ा सा डिले कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं जाकर के भी बैठना है, तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो लो, थोड़ा योगा वगैरह कर लो। चालाक एक्टर कौन है सबसे? मैं। एक एक्टर जितना बेहतर होता है उससे ज़्यादा चालाक होता है। चालाकी इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे को नुकसान दे करके, चालाकी मतलब हम अगर हमारे सामने चार बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा एक्टर है, वहाँ अगर मुझे चुप ही रहना है, डायलॉग्स मेरा नहीं है, तो मैं वहाँ क्या चतुराई करूँ? चतुराई मतलब ये नहीं कि दूसरे को डिस्टर्ब कर दूँ, मैं क्या ऐसा चतुराई कर दूँ कि लोग चारों के बीच में बोले यार इस चुप रह के भी क्या कर दिया यार, कितना अच्छा किया है। तो मैं उसको चतुराई मानता हूँ कि विपरीत परिस्थिति में किस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है कि वो चीज़ें लोगों की नज़र में बहुत प्यारी हो जाए। तो मैं उसमें तो अहंकार नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि उसमें सबसे ज्यादा चतुर एक्टर मैं हूँ। आलसी कौन है सबसे ज्यादा? आलसी यार रहने दो, चल करते हैं, बातें करते हैं, देख लेंगे, चलने दो। अभी वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम जुड़े हुए हैं, अब राजनीति में चले गए। अच्छा आपका इशारा में समझ लो। चलिए आप विलन हैं तो एक्ट्रेस की भी बात हो जाए, अभिनेत्रियों की ताड़म ताड़ी वाली बात हो जाए थोड़ी सी, तो सबसे हॉट एक्ट्रेस आपको कौन सी लगती है? हॉट एक्ट्रेस में थी एक रिंकू घोष, बहुत हॉट थी। एक नहीं है कोई, रानी चटर्जी हमारे टाइम के, हमारे ज़माने की बात कह रहा हूँ, आजकल के ज़माने की बात नहीं कह रहा, क्योंकि आजकल के ज़माने में लड़कियाँ आती हैं बहुत कम टिक पाती हैं, चली जाती हैं। जो पहले से चली आ रही है, रिंकू, पाखी, रानी चटर्जी, सब हॉट थी, रानी सबसे ज़्यादा हॉट थी। रानी जी यहाँ पर आई थी, बैठी थी, उनके साथ भी काफी हमने अच्छा खासा शो किया है। और आप सही कह रहे हैं, रानी जी के साथ में काम करने का एक अलग ही मजा है, बहुत अच्छा बात करती हैं। सबसे बेस्ट फिगर किसका है एक्ट्रेस का? सबसे बेस्ट काजल राघवानी, खेसारी लाल यादव जी के साथ जो काम करती है। मतलब खेसारी लाल यादव जी के ही साथ काम नहीं करती है, औरों के साथ भी काम करती हैं, वो अच्छा फिगर है। नहीं ये जोड़ी थोड़ा सा हो गई है ना, निरहुआ, ये जोड़ियां बनती हैं। देखिए जोड़ियां निरहुआ अमरपाली, खेसारी काजल, पवन अक्षरा,
जोड़ियां हैं, जोड़ियां ऊपर वाले बनाते हैं। सबसे चालाक एक्ट्रेस कौन है जिसकी चालाकी में भी प्यार है? वो रानी मानूंगा मैं, क्योंकि रानी चालाकी ये की है कि जब हीरो लोग अपनी जोड़ियां बनाने लगे तो उसने बड़ी चतुराई के साथ अपने आप को एक महिला प्रधान फिल्मों में झोंक दिया और वो उतनी ही सक्सेस रहे जितनी हीरो लोग रहते हैं। तो रानी चालाक है। चालाकी मतलब आप किसी का नुकसान किए बगैर अपने कदम को मजबूत कर दे, उसको मैं चालाक बोलता हूँ। चालाकी मतलब ये नहीं कि मैं आपको बेवकूफ़ बना के और अपना स्वार्थ सिद्धि कर लूँ। चालाक वो जो दूसरे का भी नुकसान नहीं और अपना भी फायदा हो जाए, वो उसमें रानी है। नमस्कार, मैं हूँ आप सबका अपना अवधेश मिश्रा और आप सब देख रहे हैं हिंदी रस। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें ढेर सारा प्यार दें।